हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए, मैंने कहा था कि हर संडे मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आऊंगी, तो आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, और उससे पहले रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या है कि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। देखिए, स्टोरी है एक कौवे की। बहुत काला था उसको, हमेशा अपने पे दुख होता रहता कि मैं कैसा काला हूँ, इतना काला कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, भगवान ने मुझे कैसा काला कलूटा बना दिया है। तो वो हमेशा अपने आप को ही क्रिटिसाइज करता रहता। फिर उसने एक दिन बगुले को देखा, एकदम दूधिया सफेद, एकदम गोरा सा। तो बगुले के पास गया और बोला कि भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश होगे, भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है। तो बगुला बोला, नहीं, कहां भाई, मैं कहां इतना खूबसूरत हूं, मुझे तो तोते को देख के जलन होती कि काश मैं इसके जितना ही खूबसूरत होता। तो कौवे ने कभी तोते को इस तरह देखा नहीं था, इतना ध्यान से नहीं। ठीक है, जंगल में हजारों पक्षी होते हैं। तो उसने पूछा, क्यों तोते में ऐसी क्या खास बात है? तो बोला, देखो, वो हरे रंग का है, गर्दन में लाल बेल्ट है, उसकी चोंच लाल है, वो बहुत सुंदर लगता है। तो कि तुम उससे जाके मिलो, वो बहुत खुश होगा। कौवे ने तोते को ढूंढा, जैसा डिस्क्रिप्शन बगुले ने बताया था। वो ढूंढते ढूंढते आखिर एक तोते से मिला। तोते को पूछा, अरे भाई, तुम तो बड़े सुंदर हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, तुम तो बहुत खुश हो अपने आप से। तो तोता बोला, कहां यार, मैं कहां इतना खूबसूरत हूँ, मुझे सिर्फ दो ही तो रंग दिए हैं भगवान ने, काश मैं मोर के जितना खूबसूरत होता। कौवे ने पूछा, मोर वो कैसा होता है? तो तोता बोला, देखो, मोर बहुत सुंदर है, बहुत रंग बिरंगे पंख हैं उसके, और बोलता भी बहुत मीठा है, भगवान ने सारी सुंदरता तो उसी को दे दी है। अब कौवे को लगा, यार मोर से मिलना चाहिए, ऐसा क्या खूबसूरती है उसमें। तो वो उड़ते उड़ते सारे जंगल में ढूंढ आया, उसको कहीं पर भी मोर नहीं दिखा। तो उसने बाकी पक्षियों से पूछा, अरे भाई, मोर कहाँ गया? तो बाकी पक्षी बोले कि अरे, मोर तुम्हें चिड़ियाघर में मिलेगा। तो वो आखिर में शहर के चिड़ियाघर में गया, उसने वहां खूबसूरत सा मोर देखा, जैसा तोते ने बताया था कि रंग बिरंगे पंख हैं, बड़ा सा है, खूबसूरत पंख है। तो मोर के पास गया, वो एक पिंजरे में बंद था। तो कौवे ने तोते से मोर से बोला, अरे भाई, तुम तो बड़े खूबसूरत हो, भगवान ने सारी खूबसूरती तो तुम्ही को दे दी है, तुम तो बहुत खुश होगे अपने आप को देखकर। मोर बोला, हाँ, खूबसूरत तो हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। तो कौवे ने बोला, अरे खुश क्यों नहीं हो भाई, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने सारी खूबसूरती, सारे पक्षियों की खूबसूरती तुम्हें दे दी। मोर बोला, हाँ, खूबसूरत तो बहुत भगवान ने बनाया, लेकिन देखो मैं कहाँ हूँ, मैं पिंजरे में बंद हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, काश मैं तुम्हारी तरह काले रंग का होता तो इंसान न मुझे पकड़ के यहाँ लेके आते, न पिंजरे में बंद करते, मैं तो आजादी से उड़ रहा होता। तब कौवे को एहसास हुआ कि शारीरिक खूबसूरती कुछ नहीं होती, खूबसूरती होती है उसकी असलियत में, असलियत में कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है। अब कौवे को अपने आप पे गर्व महसूस हुआ कि भले ही मैं काला कलूटा हूँ, लेकिन मैं कितना आजाद हूँ, आजादी से उड़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और मोर शारीरिक रूप से खूबसूरत होकर भी पिंजरे में बंद है। तो ये एक मॉरल कहानी है जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम शारीरिक रूप से कितने भी खूबसूरत हों, पर हमारी अंदरूनी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो मन है, वो खूबसूरत होना चाहिए और हमारे कर्म खूबसूरत होने चाहिए। तो बच्चों, आपको आज की कहानी प्रेरणास्पद और खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।